हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। और इससे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियोज हैं वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का प्ले लिस्ट लिंक डाल दिया हुआ है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में अब तक जो भी टॉपिक मैंने बता रखा है उस हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो वो चीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन पे। तो अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, मेरा मतलब कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उसके तीन तरह के सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। जैसा कि पहला होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, दूसरा मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और तीसरा सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेता हूँ y इक्वल सी वन ई टू द पावर x प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस x। यहाँ पर मैंने ये एक इक्वेशन यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, मतलब कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो वो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉरी इस इक्वेशन को आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हुए हैं। ओके, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। और डिफरेंशिएट करने पर जो हमें इक्वेशन मिलेंगे, जितने भी इक्वेशन मिलेंगे, तो उन इक्वेशंस की हेल्प से आप क्या करेंगे कि सी वन सी टू को रिमूव करेंगे। तो इस प्रकार सी वन सी टू को रिमूव करने पर जो है कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। यानी कि मैं कुछ इस तरह की बातें कर रहा हूँ, जैसा कि मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा ये सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होगा और ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स होगा और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। अब मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा सी वन ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सी टू ई टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि ई टू द पावर माइनस एक्स का यही होगा और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये जो कि माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है कि आप क्या कर सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आप वाई बोल सकते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से आप वाई बोल सकते हैं। वाई को अगर आप इधर लाएं, राइट, तो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है कि एक सेकेंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्डर कितना है, टू है, राइट। तो देखिए जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे इक्वेशन में उतने ऑर्डर का हमें उसका डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हम क्या करें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें और इसका सॉल्यूशन हमें ये मिले, राइट, वाई इक्वल सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस एक्स, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आता है, राइट, ये आने का मतलब कि जितना इसका ऑर्डर होगा उतना हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन होगा यही हमारा कहलाएगा क्या, जनरल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो इक्वेशन हमें मिल रहा, राइट, तो वो हमारा कहलाता है क्या, जनरल सॉल्यूशन, राइट, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, राइट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मैं क्या करूँ कि अगर यहाँ पे सी वन सी टू की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि सी वन इक्वल हमने ऐसे ले लिया टू और सी टू इक्वल मैंने ले लिया थ्री, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा मतलब बन जाएगा टू ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। तो ये जो हमें मिला हुआ है इक्वेशन, राइट, कुछ इस तरीके का, ये हमारा ये कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। नीचे कट नहीं रहा ना, जरा मैं चेक कर लूँ, राइट, ठीक है, थोड़ा बहुत उतना मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ओके, तो ये क्या है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा।
ओके, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये जो सॉल्यूशन है इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ओके, जैसा कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं जो है कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके के, अगर ये डाउट अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। राइट, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लिया इक्वेशन कुछ इस तरीके से, C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स। राइट, तो ये क्या है ना, ये क्या है कि ये जनरल सॉल्यूशन होगा किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप चेक कर लीजिएगा। राइट, प्लस वाई इक्वल टू जीरो। राइट, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर हम C1 C2 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, ओके, पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि C1 इक्वल टू मैंने 2 या 3 कुछ भी ले लिया। राइट, 2 साइन एक्स प्लस C2 की जगह पे मैंने 3 कॉस एक्स मैंने ऐसे कर लिया, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। ओके, तो आई होप कि इतनी बातें जो है कि आपको समझ में आ गई होंगी। राइट, इसको अब मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो डिफिनेशन है वो मैंने लिख रखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। राइट, नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑब्टेंड बाय जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। राइट, तो ये दोनों बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ सिंगुलर सॉल्यूशन पे, कि अब ये सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है और इसको हम फाइंड किस तरह से करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच डू नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट एंड कैन नॉट बी ऑब्टेंड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाई गिविंग एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इज नोन एज सिंगुलर सॉल्यूशन। मतलब कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनिए, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जिसमें कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ना हो और न ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है उनकी पर्टिकुलर वैल्यू लेने से वो प्राप्त होता हो, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है हमारा क्या कहलाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक बार और सुनिएगा, मैंने यही बोला हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट न हो, जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को न कंटेन करता हो और न ही उसके जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू लेने से वो प्राप्त होता हो, तो हम उस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इस तरह के जो सिंगुलर सॉल्यूशन होंगे उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लिख रखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन। राइट, फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या कहता है, मान लीजिए कि आपको ये इस तरह का एक इक्वेशन दे रखा है। देखिए, जब मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपका जो भी डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेथड लिख रखा है सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड करने का। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी राइट इन दिस फॉर्म। हम क्या करेंगे कि पी के रिस्पेक्ट में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि वो बात मैंने यहाँ लिख रखा है। राइट, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान रखा है। देन द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 1 ऑप्टेंड बाई एलिमिनेटिंग पी फ्रॉम 1 एंड 2। राइट, हम क्या करेंगे कि इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन था, पी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, और उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम पी को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा कि हमें जो है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक सेकेंड मेथड है। ओके, सेकेंड मेथड यहाँ पे क्या करें,
मान लेते हैं हमारे पास किस तरह का, ये हमारे पास जो है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, राइट। इस तरह का हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है और हम क्या करेंगे कि इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, राइट। मान लेते हैं कि इसका जनरल सोल्यूशन ये है, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो जनरल सोल्यूशन हमें मिलेगा, जिसको मैं इक्वेशन टू बोल रहा हूँ, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सी, तब हमें क्या हो, तब हमें एक और इक्वेशन मिलेगा, राइट। जब हम इस जनरल सोल्यूशन को विथ सी के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, तो हमें क्या होगा कि एक इक्वेशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन थ्री और इक्वेशन वन यहाँ पे मैं लिख रखा, देन सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ वन इज ऑब्टेंड बाय एलिमिनेटिंग सी बिटवीन वन एंड थ्री, राइट। तो सिंगुलर सोल्यूशन तब हमें कैसे मिलेगा, वन और थ्री ये जो इक्वेशन है इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सी को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने पर जो प्राप्त इक्वेशन होगा हमारे पास, वो एक सिंगुलर सोल्यूशन होगा, राइट। अच्छा, अब इसमें कुछ पर्टिकुलर केस भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जैसा कि मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन लूँगा तो आपका डाउट क्लियर होगा, राइट। और हर एक मेथड जो मैंने बता रखा है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लूँगा, फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है धीरे धीरे ये लंबा होता चला जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए इसका एक पर्टिकुलर केस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। एक पर्टिकुलर केस यहाँ पर ध्यान समझिएगा, पर्टिकुलर केस, और वो है क्या, मान लीजिए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में है, राइट। ए, ये मार्कर भी नहीं चल रहा, ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, राइट। इस फॉर्म में ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, क्वाड्रेटिक में। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वेयर वेयर ए बी सी आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, राइट, एक्स एंड वाई। यहाँ पे ए और बी जो है, ये ए बी सी जो है कि ये एक्स और वाई के फंक्शन हो सकते हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट टू पार्शियली पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पी, राइट। पी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू ए पी इक्वल, देखिए ये स्मॉल पी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, राइट। टू ए पी प्लस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से पी इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा माइनस बी बाई टू ए, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इस पी की जो भी वैल्यू आ रही है उसे हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर बी, पी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए प्लस सी इक्वल्स जीरो। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस ए, सॉरी ये तो प्लस हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी इक्वल्स जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप देख सकते हैं जो कटेगा उसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर ले रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे आएगा, ओके। ए का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो टू ए, राइट, टू ए बी का स्क्वायर यहाँ पे फोर ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हम इक्वल कर लेते हैं, राइट। तो मुझे लग रहा कि सी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, चलिए मैं सी ही लिख लेता हूँ, बाद में ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये घट जाएगा, राइट, टू में से ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ए बी का स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर इक्वल माइनस सी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबको उधर भेज देते हैं तो मुझे लगता है कि बी स्क्वायर बराबर, जब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा, इस ए यहाँ पे आप कट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, राइट। आप ये चीज़ फाइंड कर लीजिएगा, ओके, ये चीज़ आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, बी एस सी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ गया। तो अगर अगर अच्छा ये क्या आया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट आया हुआ है, किसका, तो इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। इस इक्वेशन का ये क्या आया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट आया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे पी को आप जानते हैं, पी क्या है कि ये डी वाई बाई डी एक्स है, राइट।
तो इस इक्वेशन का ये डिस्क्रिमिनेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक और बात हमें पता चला, और वो ये बात है कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है, राइट, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है, तो उसका सिमिलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा हमें जीरो के इक्वल, यानी बी का भाई इसको इधर लाएंगे तो जीरो होगा ना, तो बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो पुट करना पड़ेगा। तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सिमिलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत ही बेसिक बात है, बहुत बहुत बेसिक बात है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसको आप नोट्स करके लिख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि इसका ये जो मैंने वर्किंग रूल जो था ना, ये वर्किंग रूल जो था ये चीज़ फाइंड करने का, तो ये आप स्टेप भी याद रखिएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है कि ये चीज़ डायरेक्ट हमें अप्लाई करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो वहाँ पर हम ये बीच वाला जो स्टेप है ना, इसको भी थोड़ा सा हम याद रखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। पहला मेथड हमारे पास क्या कहता है कि अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, और इन दोनों की हेल्प से जो है कि हम क्या करेंगे, पी को एलिमिनेट करेंगे, तब जाके हमें एक सिमिलर सॉल्यूशन प्राप्त होगा इस दिए गए इक्वेशन का। और दूसरा जो होगा कि दूसरा मेथड क्या कहता है कि अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे कि इसका जनरल सॉल्यूशन पहले हम फाइंड करेंगे, राइट, और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सी, और उसके बाद जो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, राइट, तो इसके और इसके हेल्प से हम क्या करेंगे सी को एलिमिनेट करेंगे, तब जाके हमें सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इसका भी यूज करेंगे इसी के हेल्प से। ये एक मतलब यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट हमें मिल गया है बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट। तो फिलहाल आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, अब देखिए अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस होंगे तो हम मेथड भी अप्लाई करेंगे अलग अलग वाला, मतलब कि आपको क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही इन सब का आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब जैसा कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है कि एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, हमें क्या करना है कि फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन पर फिलहाल मैं बात करता हूँ, फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। इक्वेशन हमारे पास ये है पी का स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस वाई, इसको आप प्लस कर लीजिए। ओके, पी का स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वाई, राइट। हमें क्या करना है कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो ये क्वाड्रेटिक में है, आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक में है। जब क्वाड्रेटिक में है तो हम बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट जीरो रखेंगे, तब जाके हमें क्या होगा इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, जैसा कि मैंने पर्टिकुलर केस पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ए की वैल्यू मीन्स की कॉफिशियंट ऑफ पी स्क्वायर दिस इज वन, बी की वैल्यू कॉफिशियंट ऑफ पी मेरे पास क्या है एक्स, और कांस्टेंट टर्म मतलब ये आप बोल दीजिएगा ये क्या है माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा जीरो के इक्वल होगा फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, राइट। यहाँ पर आप लिख ही लीजिएगा फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ आप समझ लीजिएगा। हमें क्या करना पड़ेगा b का स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो करना पड़ेगा, तो b के जगह पे क्या हो गया x का स्क्वायर माइनस फोर, a के जगह पे क्या आ गया वन, c के जगह पे क्या आ गया माइनस वाई, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, दिस इज आवर सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, क्लियर बात। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, अच्छा मान लीजिए एक और बात मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं तो ये तो आप जान गए ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ कि मैं इसको पी का क्यू कर देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं पी का क्यू कर दिया, राइट, पी का क्यू मैं कुछ ऐसे कर दिया, तो अब तो ये क्वाड्रेटिक में नहीं है ना, क्वाड्रेटिक में नहीं है ना, तो अब जो मैंने बता रखा था ना मतलब कैसे कैसे आपको ये वर्क करना था, डिफरेंशिएट किए थे विथ रिस्पेक्ट टू पी पार्शियली, राइट, तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूँ, नाउ डिफरेंशिएट वन, डिफरेंशिएट वन विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पी, राइट, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये थ्री पी का स्क्वायर प्लस ओनली क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से बताइए पी इक्वल क्या आ गया माइनस एक्स बाई सॉरी पी स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स बाई थ्री, ध्यान समझिएगा ये हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन टू, पी स्क्वायर हमारे पास ये आ गया,
राइट नाउ अब यहाँ पे जानते हैं आप फ्रॉम वन इक्वेशन वन को अगर हम ध्यान से देखें तो पी का क्यू की जगह पे क्या मैं पी का स्क्वायर इंटू पी लिख सकता हूँ राइट इसको मैं पी एक्स ही रहने दे रहा हूँ इसको मैं वही रहने दे रहा हूँ राइट अब देखिए पी के स्क्वायर की जगह पे माइनस एक्स बाई थ्री करें तो क्या कोई दिक्कत माइनस पी प्लस इसको थ्री सॉरी इसको मैं पी एक्स ही रहने देता हूँ अभी देखिए बहुत आसानी से ये जो है कि सॉल्व हो जाएगा राइट मैं काम कर रहा हूँ इसको भी मैं उधर भेज देता हूँ ये वाई आ जाएगा अब देखिए क्या होगा कि इसका मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा राइट तो ये थ्री पी एक्स माइनस एक्स पी तो क्या आ जाएगा टू पी थ्री हाँ टू पी एक्स आ जाएगा हमारे पास और डिनोमिनेटर में थ्री होगा तो मैं उस थ्री को यहाँ भेज दे रहा हूँ अच्छा एक काम और मैं करूँ स्क्वायर में कर देता हूँ राइट नो स्क्वायरिंग बोथ साइड राइट आप लिख लीजिएगा स्क्वायरिंग तो अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा टू पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल थ्री वाई का स्क्वायर तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा 4p का स्क्वायर x x का स्क्वायर इक्वल 3y सॉरी 9y का स्क्वायर तो अब देखिए होगा क्या ये हो जाएगा 4p अच्छा p स्क्वायर यहाँ पे है गिवन है p स्क्वायर क्या है हमारे पास माइनस एक्स बाई थ्री है x स्क्वायर है 9y तो मुझे लगता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x माइनस 4x बाई एक्स क्यू और थ्री को उधर भेज दीजिए तो 27 वाई बहुत करेंगे आप उधर लेके चले जाइए एक तरफ कर दीजिए दोनों को तो 4x का क्यू प्लस 27 वाई का देखिए ये वाई स्क्वायर होगा मेरे से गलती से छूट रहा था राइट तो ये मैंने जो है कि इस तरह का ये मैंने सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया हुआ है राइट दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन राइट तो आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर होंगी और यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन मैंने ले रखा था थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये दोनों क्वेश्चन था अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं आप एक काम करिएगा सभी मेथड को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा ओके जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो कब क्या उसमें टेक्निक लगाना है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय राइट तो फिलहाल आप इन सभी रूल्स को जितना मैंने बता रखा था उनको एक जगह आप नोट कर लीजिएगा देखिए मैं इसीलिए सब चीज़ें बोर्ड पे रूल वगैरह मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि आगे जब आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही जो है कि ये हेल्पफुल होगा ओके इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें जो भी कुछ मैं पढ़ाता हूँ बोर्ड पर लिख देता हूँ और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा राइट शेयर करेंगे थोड़े से व्यूज वगैरह बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है बच्चे देख रहे हैं और बच्चों का मेरे पास जो है कि रिस्पांस आ रहा है बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो मैं जो है कि मेरा भी बहुत इच्छा होता है ठीक है मैं वीडियो जो है कि मैं अपलोड करूँ कंटिन्यू ओके तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते इसलिए थोड़ा सा जो है कि इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाने में चीज़ों को तो थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स दें हमें ओके थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें तो हम हर चीज़ को हर जो भी बीएससी सेकेंड ईयर का जो ये कोर्स है आपका टोटल समय से पहले मैं प्रयास करूंगा कि उसे कंप्लीट कर दूं मैं पूरा प्रयास करूंगा कंप्लीट करने का ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।